मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी जब मैंने इनके यहाँ का खाना खाया, तो इसीलिए मैं जब भी यहाँ से आता जाता हूँ मैं ज़रूर यहाँ पे रुक के दो रोटी तो खा के जाता हूँ, चाहे आगे जाके दो रोटी कम खा लो। जिंदगी की गाड़ी तेल से नहीं बल्कि खून और पसीने से चलती है। जिंदगी का मीटर जब डाउन होता है ना, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस गाड़ी को खींच पाते हैं। मगर आज हम एक ऐसी इनक्रेडिबल वंडर वुमन से मिलने आए हैं जो अपनी हिम्मत की सीएनजी से इस गाड़ी को न सिर्फ खींच रही हैं बल्कि उसे बखूबी दौड़ा भी रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट मंजीत कौर, जो रजौरी में 2x3 के स्टॉल के थ्रू लोगों को बेहतरीन घर के खाने से रूबरू करा रही हैं। कम, लेट्स मीट हर। सोचो भी जरा देखो यहाँ, क्या यही है तुम्हारा ख्वाबों का जहाँ। मेरा नाम मंजीत कौर है और शुरू से ही मेरी जब हस्बैंड के इधर शादी हुई तो इनका कैटरिंग का काम था, तो वो रेगुलर नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने भी ना साथ में इनके सपोर्ट करने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ये काम शुरू किया। सो गाइस, मैं हूँ अभी रजौरी में और रजौरी में मैं हूँ मंजीत जी के यहाँ। मंजीत जी नमस्ते। नमस्ते जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मंजीत जी मुझे बताइए कि आपने ये जो पंजाबी खाना है जो आपका ट्रेडमार्क है, तो वो कैसे आपने सोचा शुरुआत करने का इसको? और पहले मैंने किसी के पीजी में काम किया रमेश नगर, मिसेज बीज, वहाँ मैं 12-13 लड़कियों को खाना देती थी जी। 10 साल मैंने उनके पीजी में काम किया, उन्होंने ही मेरा घर बनाया। तो हमारे पड़ोस में एक हैंडीकैप लेडीज है, उसका वहाँ पे बूथ है अंसर टावर के पास ही, उसने बताया कि आंटी आप उधर शुरू करो। तो मैंने पूरी मार्केट में सर्वे किया, कोई नान बना रहा है, कोई चावल छोले बना रहा है, कढ़ी चावल बना रहा है, सबके ये स्टॉल थे। तो मैंने बस यही सोचा कि मैं घर का पंजाबी खाना शुरू करूँगी, तो इसलिए मैंने अपने बैनर पे भी यही लिखवाया घर का पंजाबी खाना। तो बड़ी हिम्मत करके आज से 4 साल पहले मैंने शुरू किया काम। एक है ये जमीन, किसे होगा यकीन, हजारों सपने बिखरे हैं हर कहीं। आज बेटे मैंने राजमा, तो हमारे डेली बनते हैं, आज राजमा बन रहे हैं और दाल येलो वाली बना रहे हैं जी। और उसके बाद आलू मटर पनीर की सब्जी बनाई है, क्या बात है। और उसके बाद ये सूखे आलू बनाते हैं, फ्राई आलू, इससे इसके हम वहाँ परांठे भी दे देते हैं और इसको सब्जी चाहिए सब्जी भी दे देते हैं, क्या बात है। और चावल बॉयल करेंगे, मिस्सा आटा है और प्लेन आटा है, सब्जी चेंज होती है हमारी रोज। अच्छा। एक दाल चेंज होती है, मंगल और शनिवार को हम कढ़ी बनाते हैं जी। और वैसे दिन हम दाल बनाएंगे। अच्छा। मेरी ज़्यादा रोटी चलती है, सिंपल प्लेन रोटी चलती है, तवे की रोटी वहाँ बहुत चलती है। बाकी 50 रुपये प्लेट में दाल सब्जी रहता, 4 रोटी देते हैं। मेरे को कहते हैं लोग कि काम बढ़ाओ, मैं कहती हूँ मैं इतने में खुश हूँ, बस मेरे घर का खर्चा चलना चाहिए बस। और देख के आ रही है, मतलब अच्छा मंजीत, जो इतना सारा जो खाना है आपका, ये आप कैसे ट्रांसफर करती है, मतलब कैसे पहुंचाती हैं स्टॉक तक? ये हमारे पास श्री विले राठौर है ना, अंकल के पास। अच्छा, तो वही हेल्प करते हैं आपकी? हाँ, वो हमने एक पहले तो हम खुद उतार लेते थे जी, अब एक रिक्शे वाला लगाया हमने। अच्छा, तो वो हमारा सामान उतार देता है, सुबह चढ़ा भी देता है उतार भी देता है। अच्छा, मैं 10 साल किराए पे भी रही हूँ, तो मैं स्वेटर सेल्स करती थी, कपड़े वगैरह घर पे रख के सेल्स करती थी। कोई बैंक बैलेंस नहीं है मेरा, कोई कुछ नहीं है, हम मेहनत जो सुबह जाते हैं शाम को कमा के लाते हैं, वही मैं अपने बेटे को खर्चा देती हूँ, वही मैं अपना घर चलाती हूँ। ख्वाब की झील में नाव जो उतारी, उतले पानी में भी देख बहती चली, मंजिल पहेली कोई बूझे नहीं। सो गाइस, तैयारियां सारी हो चुकी हैं, खाना जो है वो सारा लोड हो चुका है, तो आइए अब चलते हैं मंजीत जी के स्टॉल पे, देखते हैं वहाँ पे क्या नज़ारा है। अरे हाँ यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, आज हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट जुड़ने वाले हैं। मतलब एक हिंट देता हूँ आपको, जितना प्यार रणवीर सिंह को दीपिका से है, उतना ही दिल से प्यार इस बंदे को खाने से है। अब अगर आपको पता है कि ये इंसान कौन है तो अभी कमेंट्स करके हमें बताइए। यार देखो, आप चीटिंग मत करना यार, मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो फॉरवर्ड करके फिर देख के, मतलब ये चीटिंग मत करना, ठीक है? अगर पता है तो यहीं पर रुक के हमें कमेंट्स करके बताइए, ठीक है? तो आइए चलते हैं।
तो गाइस हम लोग आ पहुंचे हैं मंजीत जी के स्टॉल पे जो कि अंसल क्लासिक टावर के बगल में है, मतलब यही स्पेलिंग है भाई, है वैसे अंसल क्लासिक टावर रजौरी में। और क्लासिक का SSIQUE पता नहीं किसका किसके दिमाग की उपज थी भाई, क्रिएटिव लोग भर पड़े दिल्ली में, बट एनीवे हु आर वी टू जज। तो गाइस हमारे साथ मौजूद है मनमोहन जी जो मंजीत जी के हस्बैंड हैं। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। धन्यवाद जी। मतलब एक इनिशिएटिव जो आप कर रहे हैं, साथ में मिलकर ही कर रहे हैं काम, तो कैसा महसूस करते हैं, मतलब कैसा फील करते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में? ये दे लीजिए कि जिंदगी की गाड़ी है, दो पहियों पर चलती है जी, एक पहिया तो फिर पंचर हो जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं पाती जी, इसलिए हम दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं बस जी। हम ये इतना कहना चाहता हूँ, जिंदगी गाड़ी है, दो पहियों में चलती है, और बहुत डीप बात कही मनमोहन जी ने। मंजिल पहली कोई बूझे नहीं, ख्वाब के बाग में फिर ये तितली उड़ी, फिर ये तितली उड़ी। हेलो गाइस। अच्छा यार, आप लोग खाना खा रहे हो, आप लोग कब से आ रहे हो मंजीत जी के पास खाना खाने के लिए? आपको 4 मंथ्स हुए हैं, तो क्या है एक डिश है जो मंजीत जी की आपकी फेवरेट है? मिस्सी रोटी और राजमा चावल। राजमा चावल भी बढ़िया लगता है, नॉर्मल रोटी बहुत अच्छी, प्लेन रोटी एकदम टेस्टी, घर जैसी एकदम, वो घर जैसा ही फीलिंग आती है। हाँ, बाहर से आए हुए हैं, वो इलाहाबाद से आए, यूपी से, वो भी यूपी से, घर वाली फीलिंग आती है। आप सब यूपी से हो यार, आपने इनको काउंट किया, ऑफेंस ले लिया उन्होंने यार। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, इंक्लूड करके चला करो सबको यार। तो मंजीत जी मुझे एक बात बताइए कि आप कब तक ये स्टॉल चलाना चाह रही हैं? ये जब तक जी रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक रहे जी, जब तक है उम्र तब तक चलाएंगे। तब तक आप रोज आना चाहेंगे यहाँ पर? रोजाना है, संडे छोड़ के। अच्छा, संडे को हमारा रेस्ट है। सत श्री अकाल जी, करण जी अब आ गए? ओहो सॉरी, बहुत जल्दी भूख लग रही है, जल्दी खिला दो दो रोटी। सो गाइस, ये हमारे आज के खास मेहमान, जितना प्यार रणवीर सिंह जैसा मैंने आपको पहले बताया था दीपिका से करते हैं, उतना ही दिल से प्यार सर आप बस दो ही रोटी फूड से करते हैं, सिर्फ दो रोटी खा रहे हैं। अच्छा, और भी जाके जाना ना सर जी, इनको सारी खिलाना। तो करण जी, आप मुझे बताइए कि ये आप यहाँ पर कैसे आए हैं, मतलब ये तो गजब हो गया, क्योंकि यहाँ पे अमूल बटर भी नहीं है, तो अमूल बटर के बिना तो जाते हैं नहीं कहीं, क्योंकि आधार कार्ड में अमूल बटर है। जो प्यार एक माँ के हाथ के खाने में होता ना, वो दुनिया की किसी भी बटर में नहीं है। तो करण जी, आपकी यहाँ पे फेवरेट डिश क्या है ये बताइए? ये आलू मटर पनीर, सुपर है, सुपर हिट एकदम। 10 में से कितनी रेटिंग देते हैं इसको? मैं 10 में से 10। फुल मार्क्स मिल गए एकदम, मतलब बिल्कुल ही। थैंक यू। क्या बात है करण भाई, आपने वो लोग देखे होंगे जो दूसरी थाली में मुंह मारते हैं, मैं वैसे ही हूँ, तो मैं थोड़ा मुंह मारने वाले, मैं थोड़ा सा एक बाइट लेने वाला हूँ। तो सबका एक दोस्त होता है भाई जो खाने पे मुंह मारने की, कौन है आपका वो दोस्त बताइए जरा? तो मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ यार, बचपन में मतलब नहीं, तो मम्मी टिफिन में बांध के देती स्कूल के लिए खाना, वैसे ही बढ़िया स्वाद एकदम, घर जैसा खाना, जैसा घर जैसा बिल्कुल सुपर। अच्छा मंजीत जी, करण भाई से मैंने जो लिया था बाइट, वो तो स्वाद अब चढ़ गया मुंह पे, तो कुछ मुझे भी खिला दिए जरा, मतलब क्या खाओगे? जो ये खा रहे हैं वही खिला दिए मुझे। करण भाई आपका रहा है, इनकी प्लेट लगाओ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत, वो सीरियल आते ना CID? अरे वाह, लेकिन अफसोस CID बंद हो चुका है। अब बंद हो गया, अब CID बंद हो गया, तो इसलिए अभिजीत को अब खाना, और खाना खा रहा है अब अभिजीत, खाना खा रहा है। मैं पहले हिसाब पूरा कर लो। अरे हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई, मेरे में से भी तो लिया था। ये शाणा पना ना, मतलब लेट उठता है मेरे को हमेशा। क्या बात है करण भाई, बात बताइए कि जब आप यहाँ पर पहली बार आए थे,
और हमने पहली बार जब खाना खाया था, पहला रिएक्शन क्या था? उसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी जब मैंने इनके हाथ में खाना खाया। तो इसीलिए मैं जब भी यहाँ से आता जाता हूँ, मैं ज़रूर यहाँ पे रुक के दो रोटी तो खा के जाता हूँ, चाहे आगे जाके दो रोटी कम खा लूँ। दूसरा यार कन भाई, एक बहुत बड़ा डिलेमा रहा है मेरा। क्या होता है कि अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, आप हफ्ते में चलो 7 दिन 6 दिन 5 दिन 4 दिन आप रेस्टोरेंट चले गए खा लिया रोज़, ठीक है, आपका मन बढ़ जाता है। घर का खाना बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक खाते रहे तो मन नहीं बढ़ता है। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है इसके पीछे? अगर कोई माँ अपने हाथ से खाना देती है, अगर पेट भरा भी होगा ना, आप फिर भी दो रोटी खा ही लोगे बिना कुछ बोले। वही चीज़ होती है कि घर के खाने के लिए, जैसे ये खाया हमने, इसके लिए पेट में हमेशा जगह रहती है, चाहे आप जितना मर्जी बाहर खाना खा लो। तो बेसिकली घर का खाना जो होता है वो उस कंडक्टर की तरह होता है, बस फुल हो जाए तो भी एक सीट खाली है, खाली है तो खाली रहेगी। तो करण भाई, इसके बाद का क्या प्लान है आपका? बस मैं चला अपने शूट पे। आप अपने शूट पे जा रहे हो? तो करण भाई, क्योंकि आप इतना फोर्स कर रहे हो मुझे, और मतलब हाथ पकड़ के मुझे बोलो चलना ही पड़ेगा, मेरे बिना अगला शूट हो नहीं सकता इनका। तो आप जाओ और मेरे को लोकेशन भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? कोई नहीं, मिलते हैं फिर। मैं वहीं मिलता हूँ आपको फिर। हाँ हाँ, मेरे को लोकेशन भेज देना, ठीक है, नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप लोकेशन भेज देना, ठीक है। अरे नंबर तो है नहीं मेरा यार, वो तो चले गए अभी, बट मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में। और क्या, मैं तो खाना निपटा दूँ। बहुत बढ़िया खाना, दाल तो, ये दाल मैं घर पे खाता नहीं हूँ बाय गॉड। तो अगर मेरी माँ ने एपिसोड देख लिया ना, चित्र पड़े आने यार। मिलता हूँ आपसे 2 मिनट में, मिलता हूँ, मैं खाना निपटा दूँ बस। कर रहो बंद यार तुम, मतलब जालिम लोग, मेरे को खाना तो खाने दो, यहीं घुसे पड़ो दोनों के दोनों कैमरा लेकर के, पेट ना भरे आदमी अपना, कैसा डायरेक्टर है इसका, कौन है? पर्दे पे वंडर वुमन को देखकर कई लोग तालियां बजाते हैं, पर अगर असल ज़िंदगी में वंडर वुमन देखनी हो तो ज़रा अपने आसपास नज़र घुमाइए। अरे यार ज़्यादा दूर नहीं, यहीं रजौरी में अनसर क्लासिक टूर के बगल में, यहीं पर है मंजीत जी का स्टॉल। इनके यहाँ दाल रोटी के अलावा हिम्मत और हौसला भी मिलता है, और ऐसा मेन्यू 5-स्टार होटलों में नहीं, 5-स्टार इंसानों के पास ही मिलता है। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। अरे यार ये तो साधन इंडिया की लाइन थी यार, मतलब व्हाट आई मेंट वाज, लाइक करें, शेयर करें और ईट ट्रीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, समझ रहे हैं आप, नमक का फ़र्ज़ अदा करें। तो कहाँ खड़े हो गए आप लोग? अरे आओ भाई, फॉलो करो यार, हम अगर जनता हमारे पास नहीं है, हम जनता के पीछे जाएंगे। ये आपस में ना बात करो यार, मतलब कैमरा चल रहा है, मैं बेवकूफ की तरह खड़ा हूँ यहाँ पर, आपस में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया। आप क्या बोल रहे हो, कैमरे के लिए बोल दीजिए। सोया चाप भी बनाती है, वो भी इनका टेस्टी है। अच्छा, सोया चाप की सब्जी, ठीक है। मुझे चाहिए आलू के पराठों के साथ चाय। यार मेन्यू नहीं है यार ये।